ये जैसे विपुल सर अभी कह रहे थे ना कि कौन सा क्रीम लगाता हूं, मैं यही लाइन यूज करता हूं बस फ्रेश रहने के लिए, दैट्स इट। अली साहब जी, आपने कपिल शो में बहुत किसीज लिए हैं, तो आपकी काफी इमेज बनती जा रही थी एक फीमेल की, मौसी अच्छी, अच्छा काम किया था आपने जी। तो उससे हटके सेम कॉमेडी सीरियल में आप आ रहे, कैसा महसूस हो रहा है आपको इसमें? सर वो एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है, यू नो हमने ठीक है, उसके बाद इट्स लाइक प्लेइंग वन डे एंड दिस वो तेरी भाभी है पगले इज अ टेस्ट मैच। आई फील डूइंग डेली सोप, जब हम एज एन एक्टर हम काम करते तो यहां पर ज्यादा तकलीफ होती है, तकलीफ इन द सेंस दिस इज मोर सीरियस बिजनेस। एवरी डे आपको एक ही कैरेक्टर में रह करके पंच पे पंच, पंच पे पंच, पंच पे पंच, एक पर्टिकुलर दायरे में आप बन जाते हो और उस दायरे में आपको खेलते खेलते निकलना है, तो दिस इज अ टफर जॉब फॉर एन एक्टर। मुझे नहीं पता फॉर द क्रिएटिव टीम के लिए, नो आई थिंक अली का रेंज रहा है फ्रॉम कहानी घर घर से लेकर जो भी रोल करते हैं, तो अली आई थिंक अपने आप को ढाल लेता है एंड आई थिंक बहुत कम है जो इतनी वर्सेटाइल एक्टिंग करते हैं और एज नहीं करते, वैसे एक्टर तो देखे नहीं मैंने। भाभी अरे कुछ रह गया हो तो बताएं। भाभी कितना चैलेंजिंग आपका रोल रहा है इसमें, आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ा? भाभी का रोल तो मैं पहली बार कर रही हूँ, तो इसके पहले कभी भाभी का रोल किया नहीं, बट आई थिंक विथ ग्रेट, हाँ टू बी भाभी, बट विथ ग्रेट कोस्टार्स लाइक अली भाई एंड अथर जी, आई थिंक आई विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एंड आई होप आई कैन डू जस्टिस टू दिस रोल एंड मेक ऑल ऑफ यू ऑल हैप्पी। मोनिका दिस साइड, हैव यू फेस सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इन रियल लाइफ एज वेल टू यू? टू यू कृष्णा और मोनिका, मोनिका शी इज मोनिका कृष्णा, कृष्णा सॉरी, यस I'm sorry, could you repeat please? Have you faced similar kind of situation in real life as well? Yes, of course, I'm sure. But then I was too young at that time and too naive to realize that it could be something more than just friendship. And in real life, if someone wants to win your heart, what quality should he possess as an individual? You want to start working from now? I don't think so, I can. I think I really relate to Dr. Dia quite a lot because I personally believe that it's very important to be self-made. It's very important to be a nice person at heart, which again, she too believes. So, more or less the same, yes. My question is serious kind of a role, now you are doing a comedy role, so which is the genre you are most comfortable with? As an actor, agar dekha jaye to yahan pe mere paas bahut kuch hai karne ke liye aur maine Vipul sir ke sath pehle bhi comedy circus kar chuka hu, to यहाँ पे मुझे ज्यादा मजा आ रहा है करने में, क्योंकि वहाँ पे डेली सोप में जो होता है सास बहू में वहाँ कुछ होता नहीं है करने के लिए, यहाँ पे जैसे पंच पे पंच फोड़ रहे हैं, मतलब सिचुएशनल कॉमेडी या लाउड, तो ये काफी मजा आ रहा है। और अली भाई के साथ पहले पहले तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन इन्होंने मुझे जस्ट लाइक अ स्मॉल ब्रदर, छोटे भाई की तरह करते हैं और बहुत अच्छे से करवाते हैं, उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे। तो मेरे एज पे वार नहीं हो रहा है वो भाई ये क्रीम, आपने अपने आप को इतना सेट रखा है तो भाई बोल सकते हैं। अरे 50-50 के सलमान शाहरुख घूम रहे, उनको पूछो यार। हाँ 50-51 हो गए वो। आप हमारे टीवी के सलमान और शाहरुख के सर, हमारे लिए तो वही है। रियली रियली अच्छा फॉर मी, थैंक यू सर। आई विल अथर को आप बहुत ही सरप्राइजिंग रोल में देखेंगे, बिकॉज बहुत कम लोगों को है कि अथर इतनी अच्छी कॉमेडी कर सकता है और इतनी अच्छी उसकी टाइमिंग है। आई थिंक ही इज, थैंक यू सर, बिकॉज ऑफ यू सर। विपुल भाई हियर,
आपने अली भाई को खास ये नथु नाकाबंदी का रोल के लिए हाउ डिड यू डिसाइड ऑन कास्टिंग हिम? सर अली से हम बहुत टाइम से काम करना चाहते थे और हमने हमेशा उनके साथ काम किया है, तो अली ने जब ये रोल किया तो अली को सोच के ही किया गया था, हमको पता नहीं था कि अली की कितनी मसरूफियत है और कितने बिजी है, तो जब हमने कांटेक्ट किया और टाइमिंग भी सही बैठी थी कि अली भी देख रहे थे कि कोई एक अच्छा और एक इंटरेस्टिंग रोल करे, सो आई थिंक वर्क आउट वेरी वेल, बट जब रोल लिखा गया था तो अली को ध्यान में रख के लिखा गया। विपुल शाह, फाइनली भाभी किसको मिलेगी? सर ये तो जंग किसी को मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगी? सर जंग जारी रहेगी, अभी तो नहीं लगता है कि कुछ साल तक किसी को मिलेगी। हेलो, हाय अली, दिस इज प्राची फ्रॉम दैनिक जागरण। आप हमेशा कॉमेडी जॉनर में ही क्यों मतलब पर्दे पे दिखाई देते हैं और दूसरा कोई गंभीर या कोई और उसमें नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, आई हैव डन कहानी गरगर की फॉर 8.5 years, बट अब ये चल रहा है एंड दिस जॉनर जो है so happy, fresh and young. Today it's all about being young. And frankly, you know, ऐसे entertaining shows आपको कहीं और नहीं मिलते करने के लिए. My, if you'll see my body of work, be it FIR या Genie and Juju, and now this, so it has always come from Sub TV. So जो मैं पहले भी रिपीट किया था, इट्स फॉर ऑल, इट्स जैसे सर ने कहा ना कि ये यूथ के लिए है, डेफिनेटली यूथ के लिए है, लेकिन आई एम श्योर जो हमारे बुजुर्ग दर्शक होंगे वो भी ये होगा, यार इसको मिल जाए तो अच्छा है, क्या बोलती हो? मैं तो कहता हूँ नथू ले जाए तो अच्छा है, ये हो सकता है सट्टा भी हो हमारे बीच में मार्केट में, हमारे दिन तो गए पर इनके तो होने चाहिए, इनके होने चाहिए, सो इट्स फॉर ऑल, यू नो, फॉर माई किड्स, सारे मतलब जितने भी बच्चे हैं सबके लिए एक वो है, तो क्लीन नीट एंड धमाल। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड All artists and Vipul ji are free for one on one. हाँ sorry. मोनिका को request करेंगे कुछ अपना South Indian. हाँ मोनिका जी वो आपका actually क्योंकि उसमें आया नहीं तो. मोनिका का character ऐसा है जिसमें अंगमा का role है उसका. उसमें वो एक word को लेकर अटक जाती है. तो जिस तरह से South में word बोलते हैं और how then she explains. So whichever you, she writes her gags also. And she raised सुबह आज ही discover हुआ because bill आया उसका उसको देकर. Writer's bill. I'll just say just a small gag that I created myself, taking all the credit. Ali bhai, if you could just be with me. तुम इधर बैठी नहीं हो सकते, तुमको क्या लगता है तुम अंडा है? I'm अंडा है, अंडा है हम। अंडा? अयो। अंडा, अंडा नहीं। लगते बेरी शूनी वाली है। अंडा है? सो ये एग्जाम्पल था कि जितने लोग खड़े हैं ये सब
मैं कोई भी कैरेक्टर को हाँ जब बोलता तब बोलता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ स्कोप है करने के लिए। दूसरी बात और अहम बात यह है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ऑडियंस को तो एंटरटेन करूँगा ही करूँगा, इससे पहले अगर मैं अपने आप को एंटरटेन कर लूँ इस कैरेक्टर को करते करते निभाते निभाते, तो डेफिनेटली वो बात ऑडियंस तक पहुँचेगी। उसको गलत मत समझना ना, वो तेरी बात समझ के कि खुद को क्या एंटरटेन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। पर एक होता ना कि एक रोल में एक कैरेक्टर के अंदर स्कोप कितना एंटरटेन करने के लिए, इसमें नयापन क्या है करने, तो ये कैरेक्टर टपोरी वाले ऐसे हम गैग्स वैग्स में हमने कर लिया बिल्कुल। पर एक लीनियर स्टोरी जब हम करते हैं, एक लीनियर स्टोरी जहां इसमें शेड्स तीन चार है, ये टपोरी है लेकिन ये मन से और दिल से बहुत सॉफ्ट है। अगर ये वसूली करने के लिए जाता है और देखता है कि वो उसके घर वालों की जहाँ पे वसूली करने गया है उनकी कहानी कुछ और है, मतलब उसको गलत पिक्चर दिखाया गया, तो ये उल्टा उनको हेल्प करके आ जाता है। और जहाँ एक लड़की को एक डॉक्टर को दिया डॉक्टर दिया को देख करके ये सडनली चेंज हो जाता है, तो वो एक वो ट्रांजिशन जो है अंदर से भाई भी है एट द सेम टाइम ये भी है, फिर डॉक्टर रणवीर है जो कि एक कॉम्पिटिशन है, अब भाई है तो वैसे भी डील नहीं कर सकता क्योंकि एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो वो हिट मिस ऑन ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ, फिजिकल कॉमेडी भी बहुत है, तो ये बहुत सारा बहुत कलरफुल है। ये शूट का पहला दिन याद है आपको, जब पहला दिन शूट शुरू हुआ तो कितना एक्साइटिंग होगा, फर्स्ट डे कुछ याद है? बहुत ही एक्साइटिंग था, इनफैक्ट हमने आउटडोर से शुरू किया था और अली भाई के साथ तो पहले दिन से बहुत ही स्वीट सा टाइमिंग ट्यूनिंग बैठ गया था। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि अली असगर के साथ यू नो फर्स्ट डे ऑफ शूट, विच ऑफकोर्स क्रेडिट ऑल गोज टू हिम, बट इवन विद अथर्ट बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। इनफैक्ट वी शॉट फॉर वन एंटायर डे, ऐसा भी नहीं कि आधा दिन, एंड बहुत ही स्मूथ, बहुत ही इमीडिएट फैमिली, यू नो द ट्यूनिंग bonding, it was very sweet of both of them actually. Chemistry बहुत अच्छी जम गई है, मस्त जम गई। पहले मेकर को टेंशन था, वो ऐसे सोच रहे थे 7 दिन के लिए हमको बैंकॉक भेजे ताकि केमिस्ट्री जमे, हमने कहा नहीं हमको हम जमा लेंगे यही। लेकिन अली भाई जैसे मतलब इतने बड़े स्टार रहे हैं जिनको हम बचपन से देख पा रहा हूँ मैं, तो मेरे को तो डर लग रहा था टू वेरी एवरीबॉडी इज हिटिंग मी टुडे यार बचपन से, लेकिन इतना अच्छे से इन लोगों ने मतलब कोऑपरेट किया और अच्छे से ऑपरेशन कर दिया हमारा, पता ही नहीं चला, मतलब बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच अली भाई, अरे सर आपकी कोऑपरेशन के लिए, बहुत बहुत ही जितने अच्छे इंसान हो उतने अच्छे एक्टर हो और उतने ही अच्छे भाई हो। थैंक यू सो मच। शो है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ फैक्टर से, लेकिन रियल लाइफ में अगर इससे रिलेशन हो देवर भाभी में तो क्या ये रोमांटिक रिलेशन? देवर भाभी नहीं है, देवर भाभी नहीं, आप इन दोनों में से किसी देवर का है? आपने रिजल्ट पहले बना लिया, कौन है आपके हिसाब से कौन है? मुझे तो लगता है देवर ये है कि यंग है ना। अच्छा आप पप्पी के हकदार हो। नहीं नहीं वो ये तो कंपटीशन चलता रहेगा, जिस दिन जवाब मिल गया तो सीरियल खत्म हो जाएगा। सीरियल बंद करना चाहते हो पहले दिन? अली आपको जो टैग मिला है सबसे अली भाई का, तो क्या कहना चाहेंगे? एज में कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्शन होता है आई डोंट नो, पता नहीं कॉम्प्लेक्शन भाई हम लोग रिस्पेक्ट से बोलते हैं, एज वाइज नहीं बोलते, एज वाइज। और सर सब एज करते हैं भाई मेरे, सब का कहीं ना कहीं सब लोग बोलते ना एक बार सबको इस एज के थ्रू से निकलना है। पर वन थिंग इज दैट जो टाइटल है वो तेरी भाभी है पगले, इस दौर से हर कोई गुजरा है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैंने कभी यू नो किसी एक आप सर्टन किसी को पसंद करते हो, एक दो दोस्त के बीच कॉम्पिटिशन होता है कभी कभी, वो दोस्त एक जो होता है एक बोल देता है कि भाई मुझे वो बहुत पसंद है, दूसरे वाला जो मन में रह जाता है, फिर वो राज कपूर और राजेंद्र कुमार वाला संगम हो जाता है, फिर उसमें मर जाना पड़ता है किसी को, कोई भी जहर वगैरह खा के या सुसाइड कर लेते हैं। हम वैसा नहीं करेंगे, हम आपस में लड़ेंगे, हो सकता है एक दूसरे को आगे जाके मारे लेकिन हम जहर नहीं खाने वाले, इसको जहर खिला देंगे। आपको जो दादी का जो इमेज है वो काफी पॉपुलर, तो आपको लगता है जो भी आप रोल प्ले करते हैं लोग आपको दादी के इमेज में देखना चाहते हैं? सर वो एक अलग चैप्टर है सर, वो देखो अभी हम टेस्ट मैच हम वनडे खेल लेते हैं, उसके बाद ये तो नहीं कि हम टेस्ट मैच नहीं खेलते या हम T20 नहीं खेलते, तो दैट इज अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर, ये अब चैलेंज है मेरे लिए। मेरे हिसाब से अली भाई जैसे कॉमेडी नाइट कपिल कर रहे थे तो दादी में बिल्कुल ढल गए थे, ऐसे आप ये देखोगे तो पता चलेगा तो बिल्कुल उसी कैरेक्टर में ढल गए हैं, मैं भूल ही गया कि इन्होंने वो भी रोल किया हुआ है, इतना अच्छे से कर रहे हैं भाई, मजा आ गया, मतलब मैं तो कई बार खो ही जाता हूं उनका काम देखते देखते, फिर याद आता है अच्छा हां मैं भी हूं। बड़ा यूएसपी कह रहे हैं जो दर्शक इसको देखेंगे कृष्णा, कृष्णा नहीं 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 अरे भाभी
भाभी एक लाइन में बता दीजिए कि यूएसपी क्या रहेगा जो लोग देखेंगे, क्योंकि ना साथ कंपटीशन इतना शोज आते हैं। आई थिंक यूएसपी होगी हमारी केमिस्ट्री, हम तीनों की जो केमिस्ट्री आपको नजर आएगी, आई थिंक दैट शुड बी एंड वी वांट दैट टू बी द यूएसपी ऑफ द शो। आई फील द यूएसपी ऑफ द शो इज हाउ, जैसे टाइटल सजेस्ट कर रहा है वो तेरी भाभी है पगले, मतलब जाहिर सी बात है दोनों जन जो है वो प्यार ढूंढ रहे हैं डॉक्टर दिया में, वो चाहता है कि वो उसकी हो जाए, वो चाहता है कि वो उसकी हो जाए, और यही जो है ना दर्शक जो है वो ऑडियंस ऑफ ऑल एजेस, उनको भी कहीं ना कहीं जो यूथ है वो तो बोलेंगे यार हमारे साथ तो ऐसे होता ही है, बच्चे जो है वो उनको जो हमारे मेरे और डॉक्टर रणबीर के बीच में जो टॉम एंड जेरी वाला वो एक होता ना कि इसको मार इसको गिरा उसको मार, वो कट पेस जो चलता रहेगा वो देख के वो एंजॉय करेंगे। मोरोवर इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, जो बड़ा पॉइंट है कंटेंट बहुत अच्छा है, इसको देख के लोगों को बहुत मजा आया। और जो बुजुर्ग है वो उनका ये होगा कि यार काश हम भी इस चक्कर से निकल जाते, हमने मिस कर लिया, या जो एंजॉय कर चुके हैं इस दौर से गुजरे वो कहेंगे कि अरे भाई आपको मिल जाएगा, रिलेट कर सकता है हर एज का जो। और सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो डॉक्टर दिया है। सर नाका वैसे तो कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन आपने जो साउथ इंडियन एक्सेंट में जो रिटेन किया वो काफी अच्छा था। थैंक यू। किस तरह का रोल है आपको और कैसा इक्वेशन रहा सारे क्वेश्चन का? एक तो मेरा रोल आई एम प्लेइंग अ हेड नर्स एंड जो साउथ इंडियन है वो बहुत बॉसी है, बहुत नौटंकी है, उसका नाम अंगामा है लेकिन खुद को हंगामा बुलाती है क्योंकि वो जहाँ जाती है हंगामा क्रिएट करती है। वो उसे हिंदी नहीं आती लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंस से हिंदी बात करती है और फुल एक्सप्लेनेशन भी देगी कि वो क्या कहना चाहती है, एंड एंड में हमेशा एक सवाल पूछती मैं के कुछ गलत भूली। दैट्स माई कैरेक्टर। मेरे कैरेक्टर का नाम कजरी है जो कि नथु जो अली सर है उनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है और मतलब सब कुछ भी कर सकती है, हर चीज सेक्रीफाइस करती है, इतना ज्यादा प्यार करती है। और ये कैरेक्टर रिजेंबल करता है शोले की बसंती जैसा, बिल्कुल सेम वैसे ही। जी बिल्कुल, इवन एज एक्टर्स ये सास बहू के सीरियल्स भी जब हम करते हैं तो ग्लिसरीन लगा लगा के अपनी आंखें फोड़ देते, सो इवन वी वांट अपॉर्चुनिटीज जहां पर हम हंसी खुशी हम परफॉर्म करें, बहुत सारे जो खुरापाती आइडियाज आते हैं वो तो वो बाहर निकले, सो वी एक्चुअली एंजॉय इवन ऑन सेट्स एंड एज व्यूअर्स यस वी एंजॉय कॉमेडी एज इंडियंस वी एंजॉय कॉमेडी अ लॉट। यस ऑफकोर्स अली सर इज एन इंस्टीट्यूट हिमसेल्फ, अगर उनको सिर्फ काम करते हुए देखो तो बहुत मजा आता है, जिस तरह से वो अपने वेरिएशन लाते हैं इम्प्रोम्प्टू इतना कुछ करते हैं, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी कॉपी मार लूँ, लेकिन डिफिकल्ट है लेकिन सीख रही हूँ, आई एम ऑन द वे। अली सर के साथ बहुत अच्छा रहा है, मुझे तो देखते ही लगते है कि दादी है, तो मैंने उनको बोल दिया सर मुझे लगता है कि मैं दादी के साथ काम कर रही हूँ, कहते बेटा बच्ची दादी को भूल जा, अब रोमांस का टाइम है रोमांस कर ले, तो बस फिर रोमांस शुरू हो गया।